दोस्तों, मैं तापस राय। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार रेटिंग। आप लोग एसी लेते समय आपको स्टार रेटिंग पे फोकस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन, फ्रिज लेते समय आपको स्टार रेटिंग पे बहुत फोकस करते हैं, बट क्या आप वॉशिंग मशीन लेते समय आप स्टार रेटिंग देखते हैं? सिर्फ देखते हैं 5 स्टार है बस, लेकिन 5 स्टार में बहुत सारा फंडा है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन क्या होगा, पावर कंजम्पशन जो आपका है वो क्या होगा, वाटर कंजम्पशन क्या होगा, वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। फ्रिज और एसी से भी ज्यादा मैटर करता है आपको वॉशिंग मशीन में स्टार रेटिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले स्टार रेटिंग जो पूरे डीप में आप लोगों को बताएंगे कि आप वॉशिंग मशीन परचेस करते समय क्या क्या चीजों आपको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप स्टार रेटिंग आप देख सकते हैं, स्टार रेटिंग सभी वॉशिंग मशीन में मैक्सिमम 99.9% आपका 5 स्टार रहेगा, बट देखिएगा वहां पर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो है, जैसे यहाँ पर आपको 0.0 समथिंग दिया हुआ है, वहीं पर आपको क्या होगा 0.06796708900 ऐसे दिया रहेगा। तो वहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए जो यूनिट दिया हुआ है दोस्तों, देखिए पर किलो पर वाट दिया हुआ है, जो पर केजी पर साइकिल पर वाट, कि किस साइकिल पे चला रहे हैं, कितना केजी कपड़ा दे रहे हैं, 1 केजी का हुआ जो कैलकुलेशन है दोस्तों। साथ साथ में वहां पर आपको वाटर कंजम्पशन भी दिया रहता है, जो वाटर कंजम्पशन दिया रहता है 18 लीटर, बट 7.2 या 7.5, देखिए सबसे नीचे दिया हुआ रहता है वाटर कंजम्पशन। वाटर कंजम्पशन में भी आपका पर लीटर, पर केजी, पर साइकिल, जो आपका जैसा वॉश प्रोग्राम में दीजिएगा उस तरह से लीटर कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन लेगा, और डिपेंड करता है आपका केजी का कपड़ा कितना है, 1 केजी में वो दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम 7 केजी लेते हैं तो 1 केजी में 17.2 अगर दिया है तो हमारा 7 केजी अगर हम कपड़ा धोते हैं तो कितना वाटर कंजम्पशन होगा मेरा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ और भी जानकारी हो तो जरूर कमेंट में बताएं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे न्यू वीडियो आते हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।